हर तरफ मचा मृत्यु का तांडव है, पछतावे में कैद आज का मानव है। सुनसान सड़कों पर मौत का शोर है, विनाश की गति पर नहीं किसी का जोर है। बस इतने ही चावल बचे हैं, बाकी सारा खाना खत्म। अब कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और सर, जिस मौत से बचकर हम यहाँ 1.5 साल से छिपे हैं ना सर, वो मौत हमारे इतने करीब आ गई है। मेरा ख्याल है सर कि अब बाहर जाना ही पड़ेगा। हाँ, बाहर जाना ही पड़ेगा, पर बाहर जाएगा कौन? बाहर तो हर तरफ कोरोना के मरीज मौत बनकर घूम रहे हैं। उन्होंने हर चीज को खास कर छींक कर हाथ लगाकर इन्फेक्टेड कर दिया होगा। बाहर जाने यानी खुदकुशी करना ही है। पर सर, जिन लोगों को कोरोना हुआ है वो लोग बाहर घूमकर दूसरों की जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इंसान से पहले इंसानियत खत्म हो रही है। पर अगर कोई बाहर चला भी जाएगा तो लाएगा क्या? हाँ हाँ, सही बात है। खेतों में फसल नहीं है, दुकानों में सामान नहीं है और गोडाउन में अनाज नहीं है, तो हम लाएंगे क्या और खाएंगे क्या? अरे आकाश, हम लोग ना वो बाद में देखेंगे यार। सुन केशु, एक काम कर, सबको यहाँ पे नीचे बुला ले, अपन लोग सबसे बात कर ले। ठीक है भाई। और भाई क्या लिख रहे हो? कहानी लिख रहा हूँ, इंसान की गलतियों की और उसकी बेवकूफियों की। अब घर में राशन खत्म होने को आया है तो शायद हम बचेंगे नहीं, तो सोचा अपनी ये यादें इस डायरी में लिख दूं ताकि इनको बचा सकूं। जब फ्यूचर में ये डायरी किसी के हाथ में पड़ेगी ना, तो उन्हें भी पता चलेगा कि इंसान कितने बेवकूफ थे, कैसे उन्होंने खुद ही खुद का विनाश कर लिया। सही है लेखक साहब, पर अब चलिए, सबको हॉल में बुलाया है। तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। एक वक्त को 125 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में आज सिर्फ 10 से 12 करोड़ लोग ही जिंदा रहने का अनुमान है। इंसान की गलती की वजह से आज खुद इंसान का वजूद ही खतरे में आ गया है। दोस्तों, शायद ये मेरा आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि मैं भी जिंदा रहने की लड़ाई में उलझ चुका हूँ। आप जहाँ है वही रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना से बचिए। धन्यवाद। भाई, हाँ, हॉल में बुलाया। अरे किशु, तुम? हाँ दीदी, क्या हुआ, तुम इतनी डर क्यों गई? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चलो सबको डिस्कशन रूम में बुलाया। हाँ हाँ, चलो मैं आती हूँ। दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है कि खाना खत्म हो चुका है, अब हम में से किसी एक को बाहर जाकर खाना लाना पड़ेगा। हमारे पास बस अब एक ही ऑप्शन बचा है। नहीं सर, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक घर में रह के भूख से मरे, या फिर बाहर जाकर कोरोना से मरे। वाह, क्या ऑप्शन दिए हैं। पर 2 साल पहले सच में हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक घर में रहकर कोरोना को हराओ या बाहर जाकर कोरोना को जिताओ। लेकिन आज जो हालात है उससे पता चल ही रहा होगा कि हमने कौन सा ऑप्शन चुना है। ये क्या आवाज थी? तुम्हारे पास मोबाइल? पर तुम्हारा मोबाइल तो कुछ दिन पहले टूटकर खराब हो चुका था ना, तुम्हारे पास नया मोबाइल कहाँ से है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सच बता हरु। सर, खाना खत्म हो रहा था तो 8-10 दिन पहले मैं आप सबसे चुप कर खाना ढूंढने बाहर गई थी। खाना तो मिला नहीं सर। अरे, एक जगह ये पड़ा हुआ मिला तो मैं ले आई। अरे पागल लड़की, कोई भी किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं जाएगा, ये हम सबका रूल था।
और इसी वजह से हम एक घर में 1.5 साल से जिंदा है और तूने वही रूल तोड़ दिया। तो क्या हो गया सर, इतनी सी तो बात है। क्या इतनी सी बात? अरे हरु, आज से 2 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था ना, तब लोगों ने भी यही सोचा था कि 10 मिनट बाहर घूम लेंगे तो क्या हो जाएगा, मगर तुमको तो पता ही है कि आज हालात क्या है। तब सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी मास्क पहने, पर लोग बिना मास्क पहने सड़कों पर घूम रहे थे ये सोचकर कि कुछ नहीं होगा, पर देखो आज हम कहां पर हैं। और उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की हमने धज्जियां उड़ा दी थी, और एक डेंजरस सिचुएशन है ना, उसी का रिजल्ट है हरू। उस वक्त लोग इसी नशे में थे, इतनी सी बातें इससे क्या होगा, रास्ते पे थूक दिया उससे क्या होगा, बिना हाथ धोए खाना खा लिया इससे क्या होगा, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लिया इससे क्या होगा। अलग अलग रूल बनाने वाली सरकार को तुम जैसे बेवकूफ समझते थे, उन्होंने उस वक्त गलती की और तुमने आज, ये इतनी सी बात नहीं है हरू। हरू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। सर शायद हरो कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुकी है। सिर्फ हरो नहीं, शायद हम सब। दोस्तों, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर इन्हें फॉलो नहीं किया तो इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं हमने अभी देखा। उस लड़की की एक गलती और उन सबकी जान खतरे में आ गई। ऐसे ही आपकी हमारी एक गलती भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है तबाही की। उन लोगों के पास टाइम नहीं था, पर हमारे पास है, इसलिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और कोरोना को हराएं। धन्यवाद।